हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम सबको पता है कि हमारे आसपास क्या है, हमारे चारों तरफ क्या है। हमारे चारों तरफ है एयर। कि अगर एयर नहीं है तो हम नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, हवा पानी ये चीजें चाहिए। तो हमारे आसपास क्या है, एयर है। अब ये एयर को किसने यहाँ पे रखा हुआ है पुल करके, वो रखा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। और आप जानते हैं कि ये एयर का जो कितने किलोमीटर तक है ये इनवेलप, ठीक है, जो कितने किलोमीटर तक रीजन जाता है। आपने अलग अलग लेयर्स भी पढ़ी होगी, जैसे ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर। अब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एयर है, जो वेट है, जो हमारे ऊपर लग रहा है उसका प्रेशर, उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर के जो प्रेशर हमारे ऊपर एयर डाल रहा है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। अभी इसको मेजर करना हो तो कैसे करते हैं हम? भाई ये कहते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अर्थ के बेस पे पड़ा हुआ। तो ये हमारे पास एरिया हो गया है ना, बेस एरिया हो गया, यूनिट एरिया हो गया हमारे पास। और इसके ऊपर, इसके बीच में क्या है, सारा एयर भरा हुआ है। अब बेस से लेके यहां तक कितना हाइट है एयर कॉलम का, एच है। अब ये जितना भी वेट है, ये कितना जितना भी वेट है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जितना भी वेट है, ये हमारे पास क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट है दैट प्लेस। या इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज नोन एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अभी कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई हमें इतना प्रेशर फील क्यों नहीं होता। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है, जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, उतना ही इंटरनल प्रेशर अंदर से भी लग रहा है। तो इंटरनल प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली एक्सटर्नल प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है कि हम क्रश नहीं होते। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बॉटल के साथ, ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा कि बॉटल कैसे इजी हो जाता है क्रश करना, ठीक है, जब वहां से हम एयर निकाल देते हैं। तो इंटरनल प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जिसके कारण हम क्रश नहीं करते। अब वेरिएशन भी होता है प्रेशर का, वेरिएशन भी होता है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज होता है। हम कहते हैं भाई वो माउंटेन्स की तरफ चढ़ रहे हैं तो वहां पर ब्रीदिंग की मुश्किल आती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो वहां पर फिर कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाने पड़ते हैं, बिकॉज प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है कि जितना नीचे था, मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारा 10 किलोमीटर था, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर एयर के ऊपर। हम अब थोड़ा ऊपर चले गए तो ये 9 किलोमीटर रह गया, और ऊपर चले गए 8 किलोमीटर रह गया, एयर कम होती गई, और ऊपर चले गए, ठीक है, और ऊपर चले गए, ठीक है, कम 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 होता रहा, तो एयर का प्रेशर तो कम होता रहा, ठीक है। तो हमें एयर चाहिए ना, वो कहाँ से कंपनसेट होगी, तो जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है, कहीं बार नोज ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो वो कंपनसेट होती है, फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, और वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।